अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ DIY। ये बनाने लगी हूँ मैं फ्लैग, बैनर बनाने लगी हूँ। और ये देखे, इसके लिए कुछ भी नहीं, घर से मैंने चीज़ें ली है। ये पिज़्ज़े का, ये देखे पिज़्ज़े का ये था, इसको मैंने काटा है कैंची से, हाफ किया है आपको दिखाने के लिए। और ये देखे, इसको मैं ऐसे स्केल के साथ वाइट पार्ट को ऐसे कर दूंगी, ठीक है। और बाकी का जो ये है ना, इसको मैं ग्रीन कर दूंगी। इसके लिए मुझे अब बनाना पड़ेगा, इस प्लेट के साथ मैं बनाऊंगी मून बनाऊंगी और साथ स्टार बनाऊंगी, ठीक है। चाहे आप छोटी ले ले प्लेट, चाहे बड़ी ले ले, आपकी मर्ज़ी है। आप बड़ा बनाना चाहते हैं बड़ा बना ले। ये मैं ऐसे रख के ना, तो इसकी ताकि शेप ठीक से आ जाए। आप भी ऐसे ही कीजिएगा, मैं को बहुत माहिर नहीं हूँ, ऐसे ही बच्चों को खुश करने के लिए, घर में उनको बताने के लिए कि आज़ादी का दिन है और ये हमारा फ्लैग है। बच्चे शौक से ऐसी चीज़ें करते हैं, तो मैंने कहा चले आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा, आप भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मंगवाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो हम ये खुद घर में ईज़ीली बना सकते हैं। बच्चों को बिज़ी कर दे, वरना आजकल तो फ्री हैं बच्चे सारे, घर में तंग ही कर रहे हैं सब, स्कूल नहीं जाते बच्चे, तो इस वजह से, ठीक है। ये हो गया, ये देखें, ये देखें, ये स्टार बना हुआ है, लेकिन मैं इसको ऊपर रख के तो ऐसे स्टार को ड्रा कर लूँगी, ठीक है। पेपर से भी आप काट सकती हैं बना के ना ऐसे, तो मैं ये भी वैसे स्टिक कर सकती हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप जस्ट पेपर से, या वो जो कुकी कटर होता है उसमें भी होते हैं स्टार, आप वो रख के ड्रा कर सकती हैं, और इसको भी रख के ड्रा कर सकती हैं। यानी कि आम सिंपल पेपर लेके ना, तो उसको भी कट कर ले। देखिए ये अब मैंने ड्रा कर दिया है और इसको साइड पे रख लिया है। अगर जिनके पास ये नहीं है तो आप जस्ट पेपर से स्टार बना के तो ऐसे ड्रा कर सकती हूँ ऊपर रख के, ठीक है। अब मैं इसको ग्रीन पेंट सारा कर दूँगी साइड से, और ये ऐसे वाइट ही रहने देंगी, ठीक है। ये आम जो मिलते हैं ना पोंडलैंड से, पोंड शॉप से, ये वो कलर है सिंपल। इसको बस मैं अब जल्दी से ड्रा कर दूंगी, ठीक है, ये सारा पेंट कर दूंगी। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप ये स्पंज लेके ना थोड़ा सा, तो ये देखिए घर में स्पंज तो सबके पास होते हैं, तो आप ये ऐसे भी कर सकती हैं, ये ज़्यादा ईजी है। ये बच्चों को कह सकते हैं, बच्चे आराम से कर देते हैं ये। तो अच्छा जी, ये देखे, ये मैंने छोटी जो होती है ना झंडियाँ वो बनाई हैं। इसको फोल्ड करने के लिए इतना सा हिस्सा इसका छोड़ देंगे, और बाकी जो है ना ये वाइट रहने देंगे, ठीक है। ये मैंने इतना सा छोड़ा, ये देखे, ठीक है। एक लाइन ये लगाई है और एक ये दो तक लगाई है, ठीक है। अब मैं सारी जो है ना बाकी की, उनको भी ऐसे ही लाइन्स लगा लूँगी, ठीक है। और फिर इसमें हम लोग देखिए, इसको मैंने सारा कलर कर लिया। ज़रूरी नहीं कि ग्रीन पेपर ही हो, सबके घर में नहीं होता, बच्चों के पास अक्सर ये वाइट पेपर होते हैं घर में। तो ये देखें, ये मैंने आपको बताया था ना, ये मैंने काट के पहले किया है, और अब ये मैंने कलर कर लिया सारा, ठीक है। और छोटा स्टार जो है वो मैं आपको बताती हूँ, मैंने बगैर ट्रेस किए ही बना लिया है। ये देखें तकरीबन अब ये सारा पेंट हो गया है, मैंने जल्दी जल्दी से कर दिया है कि आपको बता सकूं कि घर में छोटे जो होती है ना झंडियाँ, वो भी बना सकती हैं, ठीक है। बड़ा भी बना लिया और ये भी बना लिया। अब मैं आपको ये जो स्टार मैंने बनाया ना, ये खुद ही ट्रेस करके बनाया, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे बनाया। ये देखें,
ये मैंने पहले इसको ऐसे बताया, मैंने आपको पहले भी ऐसे ड्रॉ किया था, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर ले। ये मून ड्रॉ हो गया, ठीक है, और ये देखिए स्टार ऐसे सबको बनाना आता होगा मुझे पता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जैसे ये जश्न आज़ादी है तो हम लोग ऑर्डर करें तो काफ़ी टाइम लग जाता है, 2-4 दिन तो हो जाते हैं, तो आप घर में भी इजीली बना सकती हैं, ये देखिए बगैर किसी चीज़ के ड्रॉ किए, ठीक है। साथ ही ग्लू स्टिक के साथ भी स्टिक कर सकते हैं, और ये फैब्रिक जो है ना, ये स्ट्रिप्स है, इसको ऐसे रख के ना तो ऊपर से प्रेस के साथ भी कर सकते हैं, ये भी इजी है, जो आपके पास हो आप उसके साथ ये कर सकती हैं, ठीक है। अभी मैं बता देती हूँ ये कैसे लगाते हैं। ये देखिए इसको मैंने इधर रख दिया, अब ये कपड़ा इसके ऊपर ऐसे और प्रेस के साथ इसको मैं चिपका दूँगी, ये देखें, ये देखें इसको मैंने हल्का सा फोल्ड किया, क्योंकि ये इसके अंदर आप स्टिक डाल सकती हैं, या स्टिक नहीं डालना चाहती तो वैसे ही आप इसको मतलब कुछ भी कर ले। ये मैं अब इसको इसके साथ जोड़ूंगी, ठीक है, और प्रेस से जोड़ लूँगी, ठीक है।